Oh, hello everyone, once again you all are very very warm welcome to my channel after such a long time. ठीक है, तो आज हम लोग बहुत लंबे समय के बाद वीडियो बनाने जा रहे हैं. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी बीच में, तो हम म्यू टेस्ट देखने वाले हैं आज. म्यू टेस्ट क्या होता है, हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल चल रहा था, वही सीरीज चलेगी अभी. ठीक है, उसको मैं ख़त्म करने के बाद कोई दूसरा टॉपिक पकड़ूंगा. ठीक, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए और शेयर कर दीजिए. B.Sc रिलेटेड सारे वीडियोज़ यहाँ पर पड़े हुए हैं. आप का कोई भी क्वेश्चन हो, आप थंबनेल पे देख के हर क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके वो वीडियो देख लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व. ठीक है, मैं बहुत सारी नई नई चीज़ें लाने वाला हूँ, उसी में मैं रिसर्च कर रहा था, इसी बीच में वीडियो डाल नहीं रहा था. तो देखते हैं हम म्यू टेस्ट क्या होता है हमारा. ठीक है, तो हमें पास कोई फंक्शन है जो कि अनबाउंडेड है x = a पे. एक बार ध्यान समझ लिए, अनबाउंडेड x = a पे मतलब क्या है इसका. मतलब वो कोई भी फंक्शन होगा fx, उसमें x = a जब डाल देंगे तो वहाँ पर वो फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी fx इनफाइनाइट हो जाएगा. एंड इंटीग्रेबल इन a प्लस एप्साइलन कॉमा बी. ए प्लस एप्साइलन का मतलब क्या, एप्साइलन देखिए एक बहुत छोटी सी यूनिट है. एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो है लेकिन लेस देन वन है. ठीक है, यहाँ पे ये और को लिखा है एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन बी माइनस ए. ठीक है, तो एप्साइलन बहुत छोटी चीज़ है, तो उसको ए में जोड़ दिया हमने तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क तो पड़ेगा. ठीक है, तो इस बात को समझना है. कॉमा बी देखिए कैसा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल. ठीक, यानी दोनों इंक्लूडेड हैं, ए प्लस एप्साइलन प्लस कॉमा बी. ठीक, तो दोनों इंक्लूडेड हैं, लोअर और अपर दोनों इंक्लूडेड हैं. ठीक, तो इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर म्यू लेस देन वन. म्यू कोई नंबर है जो कि लेस देन वन है. ठीक है, सच दैट लिमिट एक्स गोज टू ए एक्स माइनस ए की पावर म्यू एफ एक्स इंटू एफ एक्स एग्जिस्ट फाइनाइटली और ज़ीरो. यानी कि इस कंडीशन पे ये पूरी जो चीज़ है लिमिट. ठीक है, मतलब म्यू लेस देन वन की कंडीशन पे ये पूरी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या फिर ज़ीरो हो जाएगी. ठीक, देन ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स ये कन्वर्ज करेगा पूरा इंटीग्रल. ठीक, कन्वर्ज करने का मतलब इसकी कुछ वैल्यू आएगी. ठीक, x = a पे इस इंटीग्रल की, जब ये चीज़ ट्रू होगी. और ये कब ट्रू होगी, जब ये ट्रू होगा. ठीक, इफ़ देयर एग्जिस्ट नंबर म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू वन सच दैट इतना एग्जिस्ट फाइनेटली और इनफाइनेटली एंड इज नॉट ज़ीरो, देन एफ एक्स डी एक्स डाइवर्जेस एट x = a. देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान समझिए. इफ़ देयर एग्जिस्ट म्यू ग्रेटर देन वन, अगर कोई म्यू है ग्रेटर देन वन है, ग्रेटर देन वन, तो क्या होगा इस कंडीशन पे, एग्जिस्ट फाइनेटली इनफाइनेटली और नॉट ज़ीरो, तब क्या होगा, ये इंटीग्रल डाइवर्ज कर जाएगा x = a पे. तो बस इतना ही है हमारा म्यू टेस्ट. बेसिकली हमें करना क्या है, हमें चेक करना है ये म्यू की कंडीशन, उसके बाद ये लिमिट की कंडीशन, ये वाली कंडीशन रख के देखना है कि इसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है या ज़ीरो आ रही है. अगर फाइनाइट आई और ज़ीरो आई तो ये चीज़ जो इंटीग्रल हमें दिया होगा वो कन्वर्ट कर जाएगा. अगर इनफाइनाइट आई इस लिमिट की वैल्यू या फिर ज़ीरो नहीं हुई, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये चीज़ डाइवर्ज कर जाएगा. ठीक, उस वैल्यू ए पे. ठीक, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल. आगे मैं इसके थोड़े क्वेश्चंस कराऊंगा. ठीक है, म्यू टेस्ट के ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा.